दिवाली में हम लोग दिए और कैंडल्स तो खूब सजाते हैं, तो सिंपल तरीके से सजाने की बजाय अगर उसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव और कलरफुल बना करके सजाएं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आज मैं कुछ ऐसा ही कैंडल होल्डर बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला है और बहुत ही सुंदर है। तो आज के वीडियो में मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो सीमेंट यूज किया है, ब्लैक सीमेंट, लेकिन आप उसकी जगह पे पीओपी, व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी कुछ भी यूज कर सकते। लेकिन दिवाली पास में है और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो पीओपी का यूज करिए, पीओपी जल्दी सूख जाता है तो आपका ये डीआईवाई बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल बाउल, फूड कंटेनर और उसका लेड, प्लास्टिक की बॉटल और चूड़ी का डिब्बा, ये सब लिया है। ये सब हम लोग फेंक देते हैं, इसी से आज मैं बनाऊंगी। प्लास्टिक की बॉटल का जो पीछे का पार्ट होता है ना वो काट करके मैंने लिया है, जिसमें थोड़ा सेप बना रहता है। पुराने दिए, कुछ ढक्कन, कुछ डिब्बे और कैंडल होल्डर, ये सब ले लिया है। और मैंने सीमेंट लिया है, सीमेंट की जगह आप पी ओ पी, वाइट सीमेंट या फिर वॉल पुट्टी कुछ भी ले सकते हैं। इसे हमें पेस्ट बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने वैसलीन और नारियल का तेल लिया है, तो इसको हम जितने कंटेनर लिए थे ना उसमें सब में लगा देंगे। बहुत अच्छे से लगाना है जिससे कि हम जब इसमें सीमेंट डालें तो सीमेंट चिपके ना, बाद में आराम से निकल जाए। तो इसको मैं तेल से अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। जो हमें ऊपर रखना है डिब्बे और कैंडल होल्डर कैप, उसमें भी तेल लगा दिया। दिए में मैं तेल नहीं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर एक कैप को मैंने उल्टा करके रख दिया है और इसमें सीमेंट डाल रही हूँ। सीमेंट भर के डाल दिया है मैंने ताकि कैप कवर हो जाए, ठीक है। और इसको फिर इस ऐसे डैप डैप करके सेट कर देंगे जिससे कि अंदर बबल्स ना रह जाए। तो इस तरह से हम दूसरे में भी डाल देंगे। तो पूरे जितने मैंने डिब्बे लिए थे सब में ऐसे डाल करके और डैप डैप कर देंगे। और ऊपर से ये मैंने कैप लगा दिया, कैप थोड़ा सा उठ रहा था तो मैंने एक स्टोन रख दिया है। तो इस तरह से अलग अलग शेप के बर्तन में हम सीमेंट को डाल देंगे और ऊपर से डिब्बे, ढक्कन कुछ भी रख देंगे जिससे कि कैंडल होल्डर का शेप बन जाए। इसको बनाने के लिए आप कोई भी शेप साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपके पास डिब्बे पड़े हों, ढक्कन पड़ा हो, उसमें आप ये बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटा या बड़ा जैसा भी चाहें। ये देखिए लिड में भी मैंने सीमेंट डाल दिया और बिना तेल लगा हुआ दिया रख दिया जिससे कि दिया उसमें फिक्स हो जाए, निकले ना। और इस तरह से मैंने चूड़ी के डिब्बे में भी डाल दिया है और इसमें भी मैंने तेल बिना लगाए दिए को रख दिया है। तो तीन दिया मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है लगाने के बाद। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन और साइज़ बना सकते हैं। मैंने तो जो भी था मेरे पास इकट्ठा करके मैंने उसमें बना लिया है। ये सब पूरा करने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और जब ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा, ये देखिए ये सूख गया है, तो अब इसको हम निकालेंगे। तो इस तरह से डीमोल्ड करेंगे इसको, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरा बॉटल का शेप बन गया है। इसमें इस तरह से सबको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मार्केट से तो हम लोग बहुत सी चीज़ें खरीदते रहते हैं और अगर हम चाहें तो अपने घर में भी बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत सारा सामान हमारे घर में ऐसे पड़े होते हैं जो कि बेकार होते हैं और हम उनको देखते हैं फिर सोचते हैं किसी काम का नहीं है, इसको फेंक देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा कुछ आइडिया ले लें तो उसको भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। इसे भी आप कोशिश करिएगा, आप ज़रूर बना लेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बना करके। तो इस तरह से देखिए ये जो गिलास था ना ये नहीं निकल रहा था, तो इसको मैंने सीजर से कट करके और ऐसे खींच के निकाल दिया है। और इसके बाद ये भी देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको खींच दिया और ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है पीछे, अगर ये आगे होता तो बहुत सुंदर लगता। और ये वाला मैंने निकाला तो इसमें जो कैप मैंने उल्टा करके रखा था ये नहीं निकल रहा है। ये देखिए मैंने बहुत कोशिश की, नाइफ से भी मैंने कोशिश किया निकालने की पर ये नहीं निकला, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ये वाइट है तो अच्छा भी लग रहा है और इसके ऊपर तो हम कैंडल रख देंगे तो वो ढक जाएगा। और ये देखिए ये जो पेपर वाला था, चूड़ी वाला डिब्बा, ये भी कितनी आसानी से निकल जा रहा है और इस पर बिल्कुल चिपका भी नहीं है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है ये। अब इसके पार्ट जो थोड़े से रफ दिख रहे हैं उनको रेगमार्क से मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, बहुत हल्के हाथों से इसको रगड़ के और ब्रश से साफ़ कर दूँगी जिससे कि थोड़ा चिकना हो जाए और अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सबको साफ़ कर दिया है। और ये दो होते हैं ना चूड़ी का, एक ढक्कन और डिब्बा, तो मैंने दोनों को बना दिया था तो दो तैयार हो गए। ये देखिए इस तरह से मैंने सबको साफ़ कर लिया है। तो अब बारी है इसको कलर करने की। तो इसके लिए मैंने एक्रिलिक कलर लिया है
और व्हाइट से मैं पहले पूरे को कलर कर दूंगी, जिससे कि बेस बन जाए, और व्हाइट के ऊपर मैं जो भी कलर करूंगी वो बहुत अच्छा साइन करेगा। तो इस तरह से मैं तुरंत तुरंत कर रही हूँ, तो डिब्बे के ऊपर रख के मैंने इसके बैक साइड में भी कर दिया है। आप चाहें तो एक साइड सूखने के बाद दूसरे साइड में कलर करें, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। इस तरह से पूरे को व्हाइट करने के बाद मैंने सुखा लिया है, अब सूखने के बाद इसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा ब्राइट है और दिवाली में अच्छा भी लगेगा, इसके ऊपर जब हम कैंडल रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन रखा है, कुछ मैंने रेड से किया है और कुछ येलो से किया है। तो इस तरह से मैंने सबको कलर कर दिया है, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो। अब ये देखिए जो दिए वाला था ना, इसको मैं कलर नहीं की हूँ, इसको मैं अलग तरह से बनाऊंगी। अब मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया है, तो जब तक ये सूख नहीं जाएगा इसके ऊपर मैं कोई और काम नहीं कर सकती, तो जो भी डेकोरेशन करना है वो सूखने के बाद ही करूँगी। तो अब मैंने लिया है ये वाला और इसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, इसको मैं पूरा ब्लैक कर दूंगी क्योंकि इसे मुझे मेटैलिक लुक देना था। तो मेटैलिक देने के लिए ब्लैक कलर का बेस देना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से मैंने पूरे को ब्लैक कर दिया है और इसको आगे देखते हैं कैसे करती हूँ। तो इसको भी आप चाहें तो अपने पसंद के किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। तो ये सारे सूख गए हैं, अब इसको डेकोरेशन करने की बारी है। तो ब्लैक वाले पे मैं क्या कर रही हूँ, गोल्डन डस्ट ली हूँ और इसको ब्रश से पूरे पे लगा दूंगी। तो इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं रखा है, दिए को भी मैं उसी कलर में कर रही हूँ और बेस को भी उसी कलर में। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो दिया अलग कर सकते हैं और बेस को अलग कर सकते हैं। तो मैंने ब्रश से पूरा गोल्डन कर दिया है और ये मेटेलिक लुक में आ गया, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत साइन कर रहा है। इसमें जब हम कैंडल रखेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस पर आप चाहें तो गोल्डन की जगह पे सिल्वर या कॉपर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद, और ये इस तरह से मेरा दोनों तैयार हो गया। अब इसमें हम कैंडल रख के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सेल वाला कैंडल या फिर वैक्स वाला कैंडल दोनों ही रख सकते हैं। तो अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो ये सारे मैं मिरर से डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये मिरर लिया है और इसको इस तरह से फेविकोल लगा करके चिपका दे रही हूँ। फेविकोल से इसलिए कि बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, जो कि निकलेगा नहीं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस पर मिरर लगने के बाद, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। अब इसमें कैंडल रख के देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी मैं मिरर लगा रही हूँ, चांद शेप का मिरर है ये, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। किनारे पे थोड़ा सा खाली है यहाँ पे, तो मैं यहाँ स्टोन लगा दे रही हूँ। ये डिज़ाइन तो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इस पे लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मोती हो, मिरर हो, या फिर स्टिकर जो ऐसा आता है ना, मिरर वाला स्टिकर आजकल आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ, बीच में मैंने मोती लगा दिया है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। आप कोई लेस भी लगा सकते हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस पे। बेस तो तैयार है, इसको डेकोरेट करने के लिए हमें जो समझ में आए हम वो लगा लिया। हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल हो वो हम लगा सकते हैं। अब मैंने हाफ कट वाला मोती लिया है और देखिए लास्ट वाले पे भी मैंने वही लगाया, और यहाँ पे भी रैंडमली मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, तो ये कितना सुंदर लगने लगा। तो इसी तरह से आप जो है इसको सजा सकते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने तो मेरे पास जो भी सामान अवेलेबल था उससे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टोन लगा दिया और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से छोटा, बड़ा, चपटा, गोल, कैसा भी कैंडल होल्डर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोती, मिरर और हाफ वाला जो मोती होता है वो, यही सब यूज़ किया है। ठीक है, मेरे पास ये सब अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अच्छा, ये जो कैंडल होल्डर मैं बना रही हूँ ना, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये कोई बता नहीं पाएगा कि किस चीज़ से बना है अगर आप उसको बताएंगे नहीं तो। और मार्केट में तो मेरे ख्याल से ये नहीं मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा तो बहुत ही महंगा मिलने वाला है। तो मैं तो कहूँगी कि आप भी इसे बनाइए और अपने घर में दिवाली में सजाइए, और जब आप इसको दिवाली में लगाएंगे ना तो घर में चार चांद लग जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका नीचे का थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैं यहाँ पर मिरर वाला स्टिकर लेकर के लगा दे रही हूँ इस तरह से। अब ये देखिए भर गया, ये भी सुंदर लगने लगा।
और इसको थोड़ा सा जगह था इसके ऊपर, देखिए ऐसे, क्योंकि ये छोटा फूड वाला कंटेनर था ना, तो इसमें मैं पूरा मिरर से ही भर दे रही हूँ। और एक मिरर में ही ये पूरा भर गया, मतलब एक लाइन में, इस पर कुछ और नहीं करना है। तो ये देखिए कितना सुंदर हो गया ये, ठीक है। तो आप इसको बनाइए और अपने घर को सजाइए। इसे बना करके हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, दिवाली में तो हम गिफ्ट देते ही हैं, तो ये भी बना करके हम दे सकते हैं, और जिसे भी देंगे उसे बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इसमें नीचे जो खाली जगह थी ना, उस पर भी मैंने वही स्टिकर लगा दिया मिरर वाला, और ये मिरर की तरह ही इफेक्ट दे रहा है। तो कितना सुंदर और अट्रैक्टिव कैंडल होल्डर्स बन के तैयार हैं। कम सामान यूज करके बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव कलरफुल कैंडल होल्डर्स बनाए, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी बनाने की। थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और त्योहार की तैयारी करते रहिए।